जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स कक्षा में। मैं हूं हरदीप सिंह। आज हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइम क्या होता है, लाइम क्या चीज़ होती है, ये कैसे बनता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि हमने लाइम कंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया। अगर आप देखें तो बहुत पहले से, अगर जैसे राजा महाराजाओं के टाइम से हम अगर देखें, तो उनके महल जो हैं या बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो आज भी खड़ी हैं, और उसके अंदर जो हुई थी वो लाइम कंस्ट्रक्शन हुई थी। पर मॉडर्न ईरा में हमने ऐसा क्या देखा कि हमें लाइम कंस्ट्रक्शन को छोड़ के सीमेंट की कंस्ट्रक्शन के ऊपर आना पड़ा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है लाइम, कि लाइम क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो लाइम क्या होती है और ये कहाँ से मिलता है हमें। लाइम मिलता है हमें लाइमस्टोन से, यानी चूना पत्थर से। ये जो चूना है ये कहाँ से मिलता है, चूना पत्थर से। बट ऐसा नहीं है कि आपने लाइमस्टोन को लिया और उसको तोड़ा, पाउडर फॉर्म में किया और आपको लाइम मिल गया। नहीं, आपको लाइमस्टोन को एक प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सीनेशन। ये कैल्सीनेशन क्या प्रोसेस होता है, कैल्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा मेथड है जिससे हम लाइमस्टोन से लाइम को ड्राइव कर लेते हैं। कैसे, कैल्सीनेशन क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को रेड हॉट हीट करें, मतलब किसी भी चीज़ को लाल होने तक उसको हीट करें, और उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसे हम क्या कहते, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सीनेशन। मतलब हमारे पास क्या था, लाइमस्टोन था हमारे पास, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने किस प्रोसेस में लगाया, कैल्सीनेशन। अब कैल्सीनेशन क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम रेड हॉट हीट करें, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उससे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्सीनेशन। मतलब हमें 900 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम लाइमस्टोन को हीट करें या बर्न करें, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, लाइम मिलेगा, चूना मिलेगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, और इसके बीच से ऐसा, इस कैल्सीनेशन प्रोसेस में ऐसा क्या था जो लाइमस्टोन में भी था और हमें लाइम से उसको निकाला, मतलब कैल्सीनेशन करने से हमने लाइमस्टोन से ऐसी क्या चीज़ बाहर निकाल दी जो हमें लाइम मिला। तो उसके अंदर से आपने क्या बाहर निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब आपने लाइमस्टोन के अंदर से को 900 डिग्री टेम्परेचर पे बर्न किया और उसके बाद उसमें से आपको क्या मिला, लाइम मिला, और क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो हमें क्या मिला, लाइम मिला। इसी लाइम को हम क्या बोलते हैं, क्यूक लाइम बोलते हैं। ठीक है, इसी लाइम को हम क्या बोलते हैं, क्यूक लाइम बोलते हैं। ये क्यूक लाइम कौन सा लाइम होता है, ये बहुत प्योर लाइम होता है। ठीक है, क्यूक लाइम को ही हम प्योर लाइम भी बोलते हैं। और इसको प्योर लाइम क्यों बोलते हैं, हम ये देखते हैं अभी। आपको ये समझ में आया कि लाइमस्टोन को कैल्सीनेशन प्रोसेस पे हम डाला, जिसमें हमने लाइमस्टोन को 900 डिग्री टेम्परेचर पे बर्न किया और उसके अंदर बाद हमें क्या मिला, लाइम मिला, और लाइमस्टोन से क्या निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो बाहर निकल गई, जिसके बाद हमें क्या मिला, लाइम मिला। अब देखो नेक्स्ट, क्यूक लाइम के बारे में देखते हैं। ये जो, मतलब ये जो लाइम आपको यहां मिला था ना, यही लाइम क्या बना आपका, क्यूक लाइम बना। ठीक है, यही लाइम क्या बना, क्यूक लाइम बना। और इसी लाइम को आप क्या बोलते हैं, प्योर लाइम बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कास्टिक लाइम भी इसी को ही हम बोलते हैं। और इसको प्योर लाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 92-95% क्या है, लाइम है। ठीक है, 90-95% इसमें क्या है, लाइम है। और 5-10% इसके अंदर क्या है, 5-10% इसके अंदर क्या है, क्ले है। ठीक है, ये जो क्ले है ये एक टर्म को इंट्रोड्यूस कराती है यहां पे, और वो टर्म है हाइड्रोलिसिटी। और वो टर्म क्या है, हाइड्रोलिसिटी। ठीक है, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है लाइम की, जो लाइम को क्या करती है, अंडर वाटर। हाइड्रोलिसिटी जो है ये एक लाइम की वो प्रॉपर्टी है जो उसको अंडर वाटर सेट होने में, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के दौरान उसको अंडर वाटर सेट होने में मदद करती है। ये कौन सी टर्म है, हाइड्रोलिसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है लाइम की, वो क्ले क्या करती है,
ये जो क्ले है वो क्या करती है, इस लाइम को वाटर के अंदर जो है वो डिजॉल्व होने में या सॉल्युबल होने में से रोकती है। डिजॉल्व होने से क्या करेगी, ये लाइम को रोकेगी। ठीक है, तो भी हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें इसको सेट करने में आसानी मिलेगी। समझ में आया? इसमें एक कॉन्सेप्ट और ये है कि जितनी ज्यादा क्ले होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी, क्ले होगी, उतनी ज्यादा प्योरिटी कम होगी लाइम की, उतनी ज्यादा प्योरिटी कम होगी और उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास, हाइड्रोसिटी की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, बट ये किसी एक एक्सटेंट तक ही है, ऐसा नहीं है कि जितना क्ले होगी और लाइम कम होगा ये हाइड्रोसिटी हमें बढ़ती जाएगी, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक एक्सटेंट तक है, मतलब एक रेशो तक आके ये रुक जाएगी, उस रेशो तक हमें रुकना, मतलब एक लाइम आएगा इसके अंदर, अगर आप ये पढ़ोगे पोर लाइम आएगा, पोर उसके अंदर क्ले सबसे ज्यादा पाई जाती है, लाइम की क्वांटिटी कम पाई जाती है, बट हाइड्रोसिटी उसकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में सेट हो जाएगा, नहीं, उसमें भी इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिमेरिट मिल जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं क्यूक लाइम। समझ में आया ये क्यूक लाइम कौन सा लाइम है? जब आपने कैल्सिनेशन प्रोसेस किया था और लाइम आपको मिला था, उस लाइम में जो क्यूक लाइम वो लाइम था जिसके अंदर 90-95% जो था वो प्योर लाइम उसके अंदर था, और क्ले क्या थी, 5-10% उसके अंदर क्या थी, क्ले थी। जब आपको ये लाइम मिल गया ना, क्यूक लाइम, एक लाइम आ गया आपके पास जिसकी प्योरिटी जो थी वो 90-95% थी, ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, दो टर्म आपने, एक कैल्सिनेशन टर्म आपको पता चल गई यहां पे, एक हाइड्रोसिटी के बारे में पता चल गया आपको। अब एक टर्म और है जो कि लाइम में बहुत ज्यादा मानी जाती है, और वो क्या है, स्लैकिंग, स्लैकिंग टर्म है। ठीक है, अब ये स्लैकिंग क्या है, देखो ये जो क्यूक लाइम आपको मिला ना, ये जो क्यूक लाइम आपको मिला या लाइम आपको मिला वो क्या है, उसे ना मॉइस्चर के साथ बहुत दिली लगाव है उसको, ठीक है, ये पानी के साथ बहुत प्यार करता है, मतलब जहां भी आपको ये, मतलब क्यूक लाइम को मॉइस्चर दिखेगा उसको झट से जाके वो क्या करेगा, गले लगा लेगा, इतना प्यार करता है ये किससे, लाइम से, मॉइस्चर से। अब क्या है कि जैसे ही इस क्यूक लाइम को आपने छोड़ा, आपने लाइम देखा, आपने पाउडर फॉर्म में उसको ऐसे रख दिया, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, इन्वायरमेंट से क्या मिल जाएगा, उसको मॉइस्चर मिल जाएगा। जब उसको मॉइस्चर मिल जाएगा तो आपने देखा होगा कि वो सिलक जाता है, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिलक जाता है हाँ देसी भाषा में सिलग ही बोलते हैं उसको, सिलक जाता है। तो वो जो सिलगना है उसका और जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, उस लाइम को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, याद रखना इस टर्म को, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। कौन सा लाइम, जो लाइम जो है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हो गया है और रिएक्शन के बाद जो लाइम बन के आया है बाहर, वो कौन सा लाइम है, स्लैग्ड लाइम है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, देखो क्यूक लाइम है हमारे पास, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट हो गया, ठीक है, अब इसने क्या बना दिया यहां पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, मतलब इसने क्या बना दिया यहां पे, हाइड्रेटेड लाइम बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया इसने, हाइड्रेटेड लाइम बना दिया इसने यहां पे, इसको ही क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं और हाइड्रेटेड लाइम भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि इसने क्या किया, जब कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास लाइम था, इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया इसने, तो यहां पे बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, मतलब हाइड्रेटेड लाइम बना दिया। इस रिएक्शन के दौरान जो यहां पे ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे, इस रिएक्शन में जो बना वो ये था, बट ये रिएक्शन हो रहा था, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्लैकिंग, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, बट उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जब वो बना रहा था उस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैकिंग, और इसके बाद जो बन के निकल के आया बाहर उसे क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम मतलब स्लैक्ड लाइम, समझ गए? अब देखो यहां पे अब क्या था, स्लैकिंग एक दूसरे तरीके से समझते हैं। अब जब आप घरों में आपने अगर डिस्टेम्पर करवाया हो, इस लाइम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं घर में, जैसे बाल पुट्टी होती है आपकी, या डिस्टेम्परिंग करवाते हो आप, है ना, चूना बोलते हैं ना घर पे, चूना फिरवा दो यार, तो जब वो चूने को आप पानी के अंदर डालते हो,
जब आप चूने को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जब आप चूने को ना पानी के अंदर डालते हो तो वहां पे अगर आपने देखा हो तो एक रिएक्शन होता है। जब आप चूने को पानी के अंदर डालते हो तो आपने देखा होगा एक वहां पे एक रिएक्शन होता है। जब जैसे ही आप चूने को मिलाओगे वाटर के साथ, रिएक्ट करोगे, तो वहां पे क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है। हीट क्या होती है, जनरेट होती है, होती है ना। आप जैसे डालोगे वो पानी को ज़ करके वो उबलना स्टार्ट कर देती है ना। तो वहां पे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर आपने पढ़ी होगी 9वीं 10वीं की केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ये चीज पक्का पढ़ी होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, पढ़ा है, है ना। तो हम बात करते हैं यहां पे एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। यहां पे क्या है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है। एक एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ठीक है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी किस फॉर्म में होती है, या तो वो लाइट की फॉर्म में होगी या तो वो हीट की फॉर्म में होगी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जब लाइम प्लस वाटर आप रिएक्ट करोगे, वहां पे भी कौन सी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, यहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जब आपने लाइम और इसको मिलाया वाटर को, तो हीट प्लस क्या जनरेट हुआ, यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, यही हुआ ना। वो लाइम को जो कैल्शियम ऑक्साइड था को हीट वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई तो साथ में क्या बनाया इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और क्या बन गया, ये स्लैक्ड लाइम बन गया, स्लैक्ड लाइम बन गया ये। ठीक है, अब क्या है, अब यहां पे एक और इसकी क्या बोलते हो, इसके लिए एक और चीज, यहां पे जैसे ही आपने स्लैक्ड लाइम बन गया, यहां पे स्लैक्ड लाइम बन गया, स्लैक लाइम जैसे आप सोचो कि घर में बाल पुट्टी करते हैं, ठीक है, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर वो दो पत्तियां डाल के ऐसे बाल पुट्टी करते हैं, ठीक है, और जो वो जितना मसाला बनाते हैं, वो जितना लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करा के जितना वो पेस्ट बना लेते हैं, उस पेस्ट को वो उसी दिन या उसी टाइम पे यूज कर देते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या, क्यों यूज कर लेते हैं वो, इसका कारण बताते हैं। अब स्लैक्ड लाइम था हमारे पास, जिसको आपने क्या किया था, पेस्ट बना लिया था, एक स्लरी बना लिया था, जिसको आपने वहीं पर तभी यूज करना था, ठीक है। अगर आप यूज ना करो तो वो क्या होता है, वो वापिस क्या हो जाता है, लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। वो लाइमस्टोन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो स्लैक्ड लाइम है जिसके अंदर लाइम और वाटर है, और ये क्या बना था, स्लैक्ड लाइम बना था, ये क्या करता है, वापिस से इन्वायरमेंट में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, वापिस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वापिस से क्या कर जाता है, ये रिएक्ट कर जाता है खसमन खड़ा, ठीक है। स्लैक्ड लाइम वापिस से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा। CaO था, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर गया तो क्या बना दिया इसने द्वारा से, लाइमस्टोन बना दिया, CaCO3 बना दिया इसने, ठीक है। मतलब यहां से अगर आप देखो तो ये जहां से शुरू हुआ था ये वापस वहीं पहुंच गया, तो ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया हमारे पास। और इस साइकिल को कौन क्या नाम दिया जाता है, लाइम साइकिल बोलते हैं इसको, हम लाइम साइकिल बोलते हैं इसे, याद रहेगा। अब इसको लाइम साइकिल कैसे बोलते हैं ये चीज हम देखते हैं। देखो, लाइमस्टोन से स्टार्ट किया था गेम हमने, लाइमस्टोन था हमारे पास, एक और चीज याद आई, पहले ये बना देते हैं, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र था, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या था, CaCO3। यहां से हमने क्या किया, कैल्सीनेशन प्रोसेस किया,
और ये कैल्सिनेशन किस में करते हैं, ये बड़े बड़े क्लीन होते हैं हमारे पास, जैसे देखो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एक वर्टिकल लाइम क्लीन बोलते हैं इसे, इसमें क्या करते हैं जैसे लाइम स्टोन को डाल दिया और उसको 900 डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया हमने, हीट अप किया या बर्न किया, और उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आया वो कौन सा प्रोडक्ट था, हमारा लाइम था 900 डिग्री प्रोसेस पे। ठीक है, अब देखो ये था कैल्सिनेशन किया, यहां पे क्या बन गया हमारे पास, लाइम बन के आ गया बाहर। ठीक है, इसने क्या किया, वाटर के साथ क्या कर लिया, इसने स्लैकिंग कर ली वाटर के साथ, क्या कर गया ये रिएक्ट कर गया यहां पे, तो इसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, अब वापिस देखो फिर से ये क्या कर गया, CO2 के साथ रिएक्ट कर गया, तो इसने फिर से क्या बना दिया, लाइमस्टोन बना दिया। ठीक है, अगर आप देखो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि लाइमस्टोन अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा मेरा, इस सीरीज का पहला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने लाइमस्टोन की बात की थी कि है हमें कहां से मिलता है, तो आपको पता है कि ये कहां से मिलता है, ये जो मिलता है वो हमें मिलता है, दो मिनट, लाइम साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिटरली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइम। ठीक है, और ये जो लाइमस्टोन है ये हमें कहां से मिलता है, सेडिमेंटरी रॉक से मिलता है। ठीक है, जैसे सेडिमेंटरी रॉक कौन सी रॉक होती है, जो एक सेडिमेंट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट होता है वो विंड से या किसी ग्रेविटी से या किसी भी चीज से ट्रांसपोर्ट होकर किसी एक जगह पे वापस डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कौन से सेडिमेंट बन सकते हैं उसके, जैसे सी शेल हो गए, एनिमल बोन्स होगी। ठीक है, ये जब ये सेडिमेंट्स डिकम्पोज होते हैं और ये बहते बहते किसी एक जगह पे जाके सेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके बाद जो रॉक जनरेट होती है हमारी, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल कौन सा है, लाइमस्टोन है, चौक जो है वो लाइमस्टोन से बनती है, लाइमस्टोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन की बात करें हम। ठीक है, तो लाइमस्टोन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, जो कि लाइम में भी आएगा, है ना, क्योंकि लाइमस्टोन से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लाइम को। तो लाइमस्टोन का मेजर कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अब हम। ठीक है, तो सबसे पहला है वो है क्ले, जो लाइमस्टोन में 8 से 30% तक पाई जाती है। कितनी तक, 8 से 30% तक ये क्या है वो लाइम में पाई जाती है, लाइमस्टोन में पाई जाती है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि इसको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में जो आपका लाइम है उसको क्या नहीं होने देना, डिजॉल्व नहीं होने देना या उसको पानी के साथ घुलने नहीं देना, जिससे कि इसको क्या मिलती है, एक प्रॉपर्टी मिलती है, वो कौन सी है, हाइड्रोसिटी की प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि हमें यूज करते हैं किसमें, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्ले कि ये पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, तो दूसरा है, दूसरा कौन सा है, सोल्युबल सिलिका है। और ये सोल्युबल सिलिका क्या करता है, ये भी सेम वही काम करता है जो क्ले करती है, जो कि इसको क्या करता है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में सेट होने में मदद करता है। और ये क्या करता है, ये भी हाइड्रोसिटी की प्रॉपर्टी को इसको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है इसके अंदर, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, इसको स्लोली स्लैक्ड होने करने देता है, मतलब वाटर के साथ इसको रिएक्ट करने में थोड़ा सा इसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। कभी देखा होगा आपने तो जब वो चूने को मिलाते हैं तो वो काफ़ी देर तक उसको क्या करते रहते हैं, घोलते रहते हैं। तो यही कारण है मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण क्या है, ये वाटर के साथ थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, अब और क्या करता है, इसको जो सेट होने में भी काफ़ी देर की मदद कर काफ़ी देर कर देता है, स्लोली इसको सेट होने में मदद करता है। ठीक है, अगर देखा होगा चूना का, तो चूना काफ़ी देर तक जो है वो एक प्लास्टिक फॉर्म में होता है, वो काफ़ी मतलब जल्दी सेट नहीं होता है, वो प्लास्टिक फॉर्म में रहता है वो।
ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया होता है, प्लास्टिसिटी को अटेन कर लिया होता है। और प्लास्टिसिटी क्या होता है, जैसे आपने मिट्टी को अगर आप थोड़ा सा पानी डाल दो तो वो लिचपिची सी हो जाती है, उसको आप किसी भी शेप में किसी भी आकार में उसको आप ढाल सकते हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सल्फेट है। ये सल्फेट क्या करता है, ये मदद करता है किसमें, रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ स्लैकिंग, ये जो स्लैकिंग के प्रोसेस को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, प्लस बट इंक्रीज क्या करता है, ये जितना भी अगर वो लेट सेट हार्ड होता है या लेट सेट होता है, बट ये जितना जल्दी सेट होता है, जितना भी ये जल्दी सेट होता है, उसमें जो मदद करता है वो उसका कंपोनेंट है वो कौन सा है, सल्फेट इसकी मदद करता है कि हाँ ये सेट हो जाए। बट अगर सल्फेट इसके अंदर नहीं हुआ तो ये सेट ही नहीं होगा, हमेशा ये प्लास्टिक फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट थे, पहला कौन सा था, क्ले था, सॉल्युबल सिल्का था, और फिर कौन सा था, मैग्नीशियम कार्बोनेट था, और लास्ट वन इज सल्फेट। ठीक है, तो दीज आर द मेजर कंपोनेंट जो कि लाइमस्टोन में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी, लाइमस्टोन की बात, लाइम की बात करते हैं। तो जो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज तीन है, तीन की बात कर लेते हैं, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पोर लाइम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है फैट लाइम। जो फैट लाइम है इसके अंदर 90-95% क्या है, प्योर लाइम है। 90-95% इसके अंदर प्योर लाइम है, मतलब वही है इसके अंदर कि क्या है, 8-10% क्या क्या है इसके अंदर, 8-10% इसके अंदर क्या है, क्ले है, जो कि इसको हाइड्रोसिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब इसको फैट लाइम क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। देखो, फैट लाइम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इसके अंदर वाटर रिएक्ट करोगे आप, जब भी इसके अंदर वाटर डालोगे आप, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 2-2.5% क्या है, टाइम्स क्या है, बढ़ जाएगा। जो इसका वॉल्यूम है वो 2-2.5% टाइम्स क्या है, बढ़ जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम फैट लाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लाइम। इसके अंदर क्या है, लाइम जो है वो 90-95% है और इसका जो वॉल्यूम है वो 2-2.5% क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा, जब ये हार्ड बहुत स्लोली होता है, ठीक है, ये हार्ड बहुत स्लोली होता है, इसके अंदर हाई प्लास्टिसिटी क्या होती है, हाई रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या प्लास्टिसिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, पहले इसके कलर की बात कर लेते हैं। इसका कलर जो है वो प्योर वाइट कलर होता है, जो फैट लाइम होता है इसका प्योर कलर होता है, कौन सा होता है, वाइट प्योर कलर होता है इसका, प्योर वाइट कलर होगा इसका। ठीक है, इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, इसको यूज़ कर सकते हो पुताई में, यूज़ कर सकते हो पुताई, मतलब जब आप बाल पुट्टी करते हो तब इसको यूज़ किया जा सकता है, डिस्टेम्परिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक मेजनरी के लिए यूज़ किया जा सकता है, और स्टोन मेजनरी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम की बात करते हैं। हाइड्रोलिक लाइम एक ऐसा लाइम है जिसके अंदर जो लाइम की क्वांटिटी है वो 90-70% मतलब ऐसे लिख सकते हो 70-90% क्या होती है, इसके अंदर लाइम की मात्रा पाई जाती है, मतलब 10-30% इसके अंदर क्या है, क्ले है। मतलब अब मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जितना ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा, क्ले होगी, उतना ज़्यादा उतनी कम क्या होगी, इसकी प्योरिटी होगी। पहले भी बात की थी हमने कि जितना ज़्यादा इसके अंदर क्ले कंटेंट होगा उतनी ही कम क्या होगी, इसकी प्योरिटी होगी। ठीक है, इसको हाइड्रोलिक लाइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको, इसके हाइड्रोलिक लाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसको हम। ठीक है, क्योंकि क्ले क्या, कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा रही है, यहाँ पे हाइड्रोसिटी की प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कराती है, इसी कारण इसका दूसरा नाम क्या है, वाटर लाइम ही से हम बोलते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि वाटर लाइम किस लाइम को बोलते हैं हम। ठीक है, अगर लास्ट में बात करेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है इसका। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर लाइम बोलते हैं, क्योंकि ये कौन सा लाइम है जिसको हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी जो स्लैकिंग है वो बहुत मुश्किल काम से की जाती है, इसकी जो स्लैकिंग है वो बहुत मुश्किल काम से होती है, बट इसके जो हाइड्रोसिटी की प्रॉपर्टी है वो उसको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए सही बनाती है। इसका जो कलर है वो प्योर वाइट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा इसका कलर थोड़ा सा मिट्टी का कलर होता है, थोड़ा सा मडी कलर होता है इसका,
जो आपका हाइड्रोलिक लाइम है इसका कलर प्योर व्हाइट नहीं होता है, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको अंडर वाटर में यूज़ कर सकते हैं, एक थिक वॉल में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं हो, इसको वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लास्ट है थर्ड वन इज पोअर लाइम। पोअर लाइम देखने से पता चलता है कि बेचारे की गरीबी हालत है, ठीक है। मतलब ये ऐसा लाइम है जिसके अंदर क्ले कंटेंट क्या है, कितना परसेंट ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा है, ठीक है। इसको कहाँ यूज कर सकते हो आप, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तब इसको आप यूज कर सकते हो, कहाँ पे ब्रिक मेजनरी में यूज कर सकते हो। बट इसका क्या है ड्रॉबैक कि इसके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, हार्ड ये बहुत स्लोली होगा, स्लैग्ड ये बहुत स्लोली होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेकार सा है, मड्डी वाइट इसका कलर होता है, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट था, किसका, लाइम का कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर की कि हम जो है वो जब हम पुरातन समय में थे तो हम लाइम को कहाँ यूज़ करते थे, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते थे, जिसकी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए थी। बट ऐसा क्या हुआ कि हमने लाइम की कंस्ट्रक्शन को छोड़ के सीमेंट की कंस्ट्रक्शन को अपना लिया। इसके दो प्रोस्पेक्ट हैं, एक तो हिस्ट्री के हिसाब से हम इसको देखेंगे, ठीक है, एक टेक्निकल की भाषा में इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टेक्निकल हिसाब से हम इसको देखते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन क्यों छोड़नी पड़ी लाइम की। सबसे पहला इसका जो कारण था वो था कि लाइम जो था वो बहुत स्लोली हार्ड होता था एज कंपेयर टू सीमेंट। सीमेंट आपका तभी हार्ड होने लग जाता है थोड़े टाइम में, बट जो आपका लाइम था वो इतनी जल्दी हार्ड नहीं होता था, ठीक है। अगर हम बात करें सीमेंट की सेटिंग टाइम की बात करें कि सीमेंट कितने देर में सेट हो जाता है, तो इसके दो प्रोस्पेक्ट हैं कि एक इनिशियल जो सेटिंग टाइम था सीमेंट का वो था 30 मिनट और फाइनल टाइम जो था वो था 600 मिनट, मतलब 10 घंटे के अंदर अंदर ये फाइनली सेट हो जाता था। और इनिशियल सेटिंग टाइम था इसका 30 मिनट, मतलब आधे घंटे में ये सेट होना स्टार्ट होना शुरू हो जाता था। बट सीमेंट लाइम के साथ ऐसा नहीं था, लाइम को 3 से 4 दिन भी लग जाते थे सेट होने में, हार्ड होने में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रोस्पेक्ट। दूसरे प्रोस्पेक्ट में क्या था कि जो लाइम था उसके अंदर क्या था, मॉइस्चर था, ठीक है। लाइम को जरूरत थी मॉइस्चर की कि अपने आप को सेट करने में, हार्ड करने में जो लाइम को क्या थी, मॉइस्चर की जरूरत थी। बट सीमेंट में ऐसा कुछ नहीं था, लाइम को अपने आप को सेट करने के लिए, अपने आप को हार्ड करने के लिए किसकी जरूरत थी, मॉइस्चर की जरूरत थी। और वही मॉइस्चर था जो कि इसको ड्राइंग करने में, अपने आप को सुखाने में रोक रहा था, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो अगर सीमेंट के लाइन के अंदर हमने वाटर मिक्स किया तो स्लैकिंग किया, और स्लैकिंग करने के बाद इसके क्या बनाया, हमने एक पेस्ट बनाया था, ठीक है। और जो कि वो काफ़ी टाइम तक क्या था, क्या रहता था, स्लैक्ड रहता था, एक मॉइस्चर कंटेंट रहता था इसके अंदर, एक प्लास्टिसिटी को इसने क्या कर रखा था, अटेन कर रखा था, प्लास्टिसिटी को इसने अपने अंदर ले रखा था, जो कि ये वही मॉइस्चर था जो कि इसको हार्ड होने में, सेट होने में क्या कर रहा था, सूखने में क्या कर रहा था, रोक रहा था, ठीक है। लाइम जो था जब ये सूख नहीं रहा था जल्दी, इसके अंदर मॉइस्चर था जो इसको क्या कर रहा था, सूखने में रोक रहा था। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन थी वो क्या हो रही थी, डिले हो रही थी। और आज के आधुनिक युग की बात करें तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इतना वेट करें, ठीक है। और सीमेंट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइम था और इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था, सीमेंट था। बट हम एज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने क्या किया, सीमेंट को अडॉप्ट कर लिया और लाइम को साइड में कर दिया। हालांकि जो सीमेंट का मेजर कंस्टिट्यूएंट है, वो लाइम ही है। अगर आप लाइम के सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो तो उसके अंदर 62% जो था वो लाइम पाया जाता था, ठीक है। बट ये क्या कर रहा था, इसका मेजर जो ड्रॉबैक था इसके अंदर क्या हो रहा था कि कंस्ट्रक्शन जो थी वो डिले हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर क्या था, मॉइस्चर था, जो मॉइस्चर वही मॉइस्चर था जो इसके अंदर सेट करने होने में तो मदद कर रहा था, बट इसको क्या कर रहा था, ड्राई होने में डिले कर रहा था, ठीक है। और इसके कारण हमारी कंस्ट्रक्शन क्या थी, डिले हो रही थी। ये था थोड़ा टेक्निकल पोर्शन। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बेस पे बात करते हैं इसकी। देखो लाइम की कंस्ट्रक्शन तो बहुत पुरानी थी, इसका जो अगर आप देखें हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत पुरानी थी।
जो हाइड्रोलिक लाइन था वो आपका शुरू हुआ था 1756 में, इसको जॉन स्मेटन साहब ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और 1824 में जो सीमेंट का पहला जो सीमेंट बनाया गया वो बनाया गया 1824 में, और ये कहाँ बनाया गया था, इंग्लैंड में बनाया गया था, ठीक है। उस टाइम पे हमारा देश जो था वो था गुलाम था किसका, अंग्रेजों का। बट यहाँ पे क्या था, सीमेंट की खपत डिमांड को बढ़ाने के लिए और सीमेंट को ज़्यादा बिकवाने के लिए जो ब्रिटिशर सरकार थी उसने क्या किया, हमारे देश के लोगों के ऊपर एक कानून बना दिया कि आपको क्या करना है, लाइम कंस्ट्रक्शन को छोड़ के सीमेंट की कंस्ट्रक्शन को अपनाना है। उन्होंने क्या किया कि एक कानून बना दिया कि आपको लाइम की कंस्ट्रक्शन बैन है बिल्कुल, ठीक है, सीमेंट अपनाओ। सीमेंट अपने सीमेंट को बढ़ाने के लिए, अपने सीमेंट को ज़्यादा यूज़ करवाने के लिए हमारे देश के लोगों के ऊपर ये कानून लगा दिया। अब उससे क्या हुआ कि उनका बिजनेस तो बढ़ गया और हमारे लाइम का जो कंस्ट्रक्शन थी, हमारे लाइम की कंस्ट्रक्शन, वो उसको क्या खत्म कर गए। हमारे देश का रॉ मटेरियल उठा के, लाइम को उठा के उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में ट्रांसपोर्ट किया, वहां पे सीमेंट बना के वापस हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को बेच दे रहे थे, हमारा ही रॉ मटेरियल और हमें ही बेच दिया उन्होंने, ठीक है। जो लोग तो लाइम सीमेंट की कंस्ट्रक्शन करते थे उनको वो अप्रिशिएट करते थे, बट जो लाइम कंस्ट्रक्शन से करते थे उसको वो दंड देते थे, दंडनीय अपराध माना जाता था उस टाइम पे ये। तो धीरे धीरे लोगों ने की ये टेंडेंसी बन गई, उन्होंने लाइम को छोड़ दिया, उन्होंने सीमेंट को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। बाकी लाइम से हमारी जो कंस्ट्रक्शन थी वो क्या हो रही थी, डिले हो रही थी, जिसके कारण हमें सीमेंट को अडॉप्ट करना पड़ा, अपनाना पड़ा। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, लाइम कंस्ट्रक्शन का, लाइम का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सीमेंट के बारे में, और जो भी आपका सवाल होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो थम्स अप, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय।